रोकने के लिए देश के डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर्स को इंसानी शक्ल में भगवान का रूप भी कहा जाता है, लेकिन इंसानी शक्ल के भगवान को भी कोरोना का खौफ डरा रहा है। मुरादाबाद शहर के अधिकतर प्राइवेट डॉक्टर अपनी क्लिनिक व अस्पताल से नदारद हैं, और कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो निर्धारित रूप से फीस को बढ़ाकर लिया जा रहा है। मरीज परेशान है, किस तरह डॉक्टर को दिखाया जाए। इसके साथ ही मरीजों के साथ एक समस्या यह भी आ रही है कि मेडिकल से जो दवाइयां मरीज लेने जा रहे हैं वो काफी सारी दवाइयां मेडिकल पर नहीं है। रेती स्ट्रीट स्थित मेडिकल स्वामी रिजवान अली का कहना है कि काफी हद तक तो दवाइयां हम मरीजों को दे रहे हैं, लेकिन काफी सारी दवाइयां दवाई के पर्चे पर ऐसी लिखी हुई हैं, क्या लिखा है ये समझ नहीं आ रहा है। मेडिकल स्वामी रिजवान का यह भी कहना है कि कुछ डॉक्टर्स लॉकडाउन में ज्यादा फीस वसूलने के बाद मरीज देख रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि कम फीस में डॉक्टर्स को कोरोना होगा और ज्यादा फीस से कोरोना नहीं होगा। वहीं दूसरे मेडिकल स्वामी सचिन अग्रवाल का कहना है कि लोग परेशान हो रहे हैं, हम मेडिकल के लोग चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मरीज जो डॉक्टर के पर्चे ला रहे हैं उनमें दवाइयों का साल्ट नहीं लिखा है। प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मेडिकल स्वामियों के साथ है। मुरादाबाद प्रशासन अच्छे कदम उठा रहा है और प्रशासन को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए, जिससे कि मरीजों को परेशानी ना हो। मेडिकल पर मौजूद मरीज अनिल कुमार अग्रवाल का कहना है कि कई सारे मेडिकल पर हो आया हूं, पर जो दवाइयां पर्चे पर लिखी हुई है वो मेडिकल पर उपलब्ध नहीं है, और काफी सारे मरीज ऐसे हैं जो इस समस्या से लगातार दो चार हो रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर एमसी गर्ग का कहना है कि लॉकडाउन में कोई ऐसा आदेश शासन व प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया गया है कि डॉक्टर अस्पताल में नहीं बैठेंगे, मेडिकल नहीं खोलेंगे। सरकार का उद्देश्य है लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए किसी भी जगह भीड़ इकट्ठी ना हो। डॉक्टरों को चाहिए कि मानवता के आधार पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए मरीजों को देखें। फिलहाल अब देखना होगा कि मुरादाबाद प्रशासन इस मामले में क्या ऐसा कदम उठाता है कि जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दिल की रिपोर्ट। सर, क्या नाम आपका? अनिल कुमार अग्रवाल। अनिल कुमार जी, क्या समस्या आ रही है आपको? मुझे ये समस्या आ रही है सर कि मैं दवा का पर्चा लिए घूम रही हूँ, और ये केवल जिन डॉक्टर का पर्चा है उन्हीं के यहाँ मिलती है, बाजार में मुझे नहीं मिल पा रही आसानी से। और मेरे जैसे नए नए कितने लोग होंगे इस तरीके से जो बाजार में, क्योंकि ज़्यादातर क्लिनिक पर ही, हर डॉक्टर के क्लिनिक पर ही दवाई मिलती है। अब क्लिनिक तक मैं पहुँच नहीं पा रहा, ये समस्या मेरे साथ है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। हाँ बिल्कुल होंगे, हर क्योंकि हर डॉक्टर ने करीब करीब अपना क्लिनिक बना रखा है इसी तरह। हाँ क्लिनिक भी बंद है, हम जा भी नहीं पा रहे वहाँ तक, क्योंकि हम फर्ज की जब कंसाई में रहते हैं और क्लिनिक है उनका लाजपत नगर, तो प्रशासन जाने नहीं देते कहाँ तक किस तरीके से निकल के जाया जाए। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दवाई है। प्रशासन को यही करना चाहिए कि डॉक्टरों के यहाँ से या तो उनके क्लिनिक से हर मेडिकल पर जनरल दवाइयाँ लिखनी चाहिए जो सब जगह अवेलेबल हो, सब लोगों को आसानी से मिल सके। हर डॉक्टर का पर्चा जो है कहीं भी किसी भी मेडिकल में कैश हो जाए, मैं तो यही चाहूँगा सरकार से, मेरी अपील। मेरा नाम रिजवान अली है जी। जी जी हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है कि ज़्यादातर मेडिसिन तो हमें अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दवाएं ऐसी हैं जो डॉक्टर ऐसी लिखते हैं जो उनके अपने ही काउंटर से मिला करती हैं, उस वक्त पेशेंट को परेशानी होती है। वहाँ इस तरह के पेशेंट हैं, काफ़ी तादाद में हैं लोग बहुत, और पीछे से फिर इस बात अभी सप्लाई ना होने की वजह से होलसेलर से भी माल नहीं मिल पा रहा मतलब। जी मरीज परेशान होते हैं काफ़ी बहुत बड़ी दूर। अच्छा फिर ये है कि जब लॉकडाउन होने की वजह से कई एरिया बिल्कुल सीज हैं, तो पेशेंट बहुत परेशान हो गए, पता नहीं किधर किधर रास्तों से होकर आते हैं यहाँ, और हम कोशिश करते हैं कि उनको दवाएं अवेलेबल करा दें सब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब। सर हाँ, डॉक्टर अगर साल्ट लिख दें तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब पेशेंट को जो दवा लिखी होती है ना, तो वो ये चाहता है कि मुझे यही मिले। हम बहुत कोशिश करते हैं कि भाई दूसरी कंपनी की ले लो आप, यही साल्ट है सेम,
मगर समझ में लोगों की नहीं आती क्योंकि डॉक्टर उनको कहकर भेजते हैं। अगर साल्ट के लिखकर डॉक्टर लिखते हैं अगर तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी दवा अवेलेबल होने में, क्योंकि एक ही साल्ट की बहुत बहुत दवाइयाँ होती हैं मगर पेशेंट को वो चाहिए होता है जो लिखा है डॉक्टर ने। सब मेरी प्रशासन से ये अपील है कि डॉक्टर्स को ये एक हाँ और वो जो है डॉक्टर्स को बताएं मतलब कि भाई इस वक्त ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट का नाम ना लिख कर अगर साल्ट के नाम से लिख दें दवा तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो इस वक्त नहीं देख रहे हैं लेकिन एमरजेंसी में वो फीस डबल ले रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 500 रुपये में उनको कोरोना लग जाएगा और 1000 रुपये फीस लेकर नहीं लगेगा कोरोना उन्हें? देखिए जिस तरीके से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ ये आ रही है, नई नई दवाएं हैं पर्चे पे लिखी हुई और बहुत से पर्चे तो ऐसे ही लिखा क्या यही समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम मरीज की चाहकर भी मदद करने की स्थिति में नहीं है। अगर एक रेगुलर बेस पे साल्ट भी लिखा होता वो भी साफ साफ तो उससे मिलाकर किसी भी ब्रांड की दवा हम देने की स्थिति में होते, लेकिन व्यवहारिकता में यह है कि जब से ये अंदर मेडिकल स्टोर का कॉन्सेप्ट चालू हुआ है तब से हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि डॉक्टर साहब दवा लिख के आ रहे हैं अंदर से मिल के आ रहा है पेशेंट को, इस बात की जानकारी वो वहीं तक सीमित है। जब पेशेंट बाहर आता है पर्चा लेके लिखा कुछ है, कहीं कहीं तो ये भी समस्या कि पत्ता किसी और दवा का है किसी और नाम से है और अंदर से पर्चे पर लिखा हुआ कुछ और है, तो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है। मरीज भी आसानी से इस बात को समझ नहीं पाता, वो परेशान हो रहे हैं लोग क्योंकि मिल ही नहीं पा रही उन्हें दवा, नई नई दवाई है ऐसी जिसे शायद हमने सामान्य परिस्थिति में अनुभव भी नहीं करा कि ऐसे इस नाम से भी आती होंगी ये चीज़ें, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या प्रशासन से अपील करना चाहेंगे जो गरीब लोग हैं मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? नहीं, हम प्रशासन से यही कह पाएंगे कहना चाहेंगे कि वैसे तो प्रशासन ने अपना बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्था बना रखी है, इसमें कहीं भी ये एपन बेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दवा की दुकानों के लिए भी प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग दे रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बारे में भी बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन एक यही है कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं एक हैंडसम फीस लेकर जनरली पेशेंट्स को देखते हैं, उन्हें चाहिए कि एक मानवीय आधार पर वो भी अपनी OPD जिस प्रकार से योगी जी ने या प्रशासन लगातार उनसे अपील कर रहा है उसके आधार पर वो खोलें, एक निश्चित समय के लिए खोलें और अपने जो परेशान होते हुए पेशेंट हैं उनका थोड़ा सा ध्यान करें और दवाई बाज़ार में कम से कम इस पीरियड में कि उनकी दुकानें नहीं खुल रही हैं उस पीरियड में कम से कम ब्रांड का नाम स्टैंडर्ड ब्रांड का नाम लिखें या हो सके तो उस फॉर्मूलेशन को लिखें जिसके ज़रिए मरीज़ बाज़ार में परेशान ना हो पाए और आसानी से दवा उसे मिल जाए, मेरा तो यही सजेशन है। बाकी तो इस चीज़ों से निपटने में बहुत ताकत लगती है हम लोगों को, निकालने में बहुत बहुत जोर से नहीं पूछा तो जवाब देते हैं यहाँ सब ठीक है, नाम क्या है, नाम वाम भी क्या जरूरत है, जो उन्होंने कह दिया देखिए सरकार का ये उद्देश्य है लॉकडाउन को सफल करने के लिए कहीं भी भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए, तो चिकित्सकों को ये निर्देश है कि अपने जो भी मरीजों को देखना है सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का पालन करते हुए देखें और अपने संस्थान में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने का की व्यवस्था बनाए रखें, अन्य कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि चिकित्सालय बंद रहेंगे या चिकित्सक गणों द्वारा मरीज देखने पे कोई पाबंदी। सर काफी सारे हॉस्पिटल या डॉक्टर थे जो हॉस्पिटल को लॉक करके चले गए हैं कोरोना की वजह से, मरीजों को नहीं देखा जा रहा और मुश्किल ज्यादा जा रही है कि उसी के अंदर उनके प्राइवेट बैठे कर रहे तो वो दवाई बाहर नहीं मिल पा रही, एक समस्या ये भी आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सरकार की नीति ये है कि जेनरिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाए
और वो कीमत में भी कम है और एक ही नाम से सब जगह मिल जाती हैं। आपके जो आपके संदर्भ हैं उनकी जेनेरिक नेम्स निकलवा लीजिए और तदनुसार आप शहर के किसी भी मेडिकल स्टोर से वो दवाइयां प्राप्त कर लें। केवल इस वजह से कि कोई मेडिकल स्टोर बंद है, मरीज के इलाज पे ऐसा नहीं पड़ना चाहिए। सर, क्या आपने सवाल पूछा है जो डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे हैं तो उनके लिए कोई आदेश जारी किया जाएगा कि नोटिस दिया जाएगा? मेरी सभी चिकित्सकगणों से अपील है कि अपने मरीजों का इलाज और देखभाल समुचित व्यवस्था बनाकर अवश्य करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.